वो एक मंदिर की बात कर रहे हैं तो आप एक मंदिर की बात कर रहे हैं, आप बात करिए अल्पसंख्यक समाज की, पिछड़ा समाज की, आप नहीं बात करते, उनके जस्टिस की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश चुनाव में खामोशी के साथ मुसलमानों को एकजुट करने के प्रयास में लगे असदुद्दीन ओवैसी ने आज एक बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर कही है बड़ी बात। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यूपी में सामाजिक न्याय की बात कोई नहीं करता। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच इस बात की लड़ाई है कि आखिर सबसे बड़ा हिंदू कौन है। खुद को मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने में लगे हैं दोनों नेता। कोई एक मंदिर की बात करता है तो कोई दूसरे मंदिर की बात करता है, लेकिन अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग की बात कोई नहीं करता। उत्तर प्रदेश चुनाव में पिछड़ते नजर आ रहे असदुद्दीन ओवैसी अब एक नए राग पर बोलते नजर आ रहे। 100 से ज्यादा सीटों की दम भरने की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी शायद अब थक चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से, और यही एक वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की बयानबाजी करके चुनाव को मोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में ये हो पाना मुमकिन ही नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।